आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि मैं बताना चाहती हूँ दुनिया को कि मेरे साथ विधायक जी ने क्या किया। अगर कोई किसी के पास पैसा है, सत्ता है, तो ये लोग सफ़ेद पोश जो है नेता, वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी फुला करके कुछ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें कानून को पता होती है, जानते भी कि बंदा अपराधी है और ऐसा करता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है इंसान। ऐसा क्यों, इसकी क्या वजह है? क्या इंसान कोई अगर नेता है, कोई विधायक है, तो कोई किसी के साथ कुछ भी करके निकल जाएगा? और हम लड़कियों को क्या, हम लोगों ने अगर आवाज़ उठाई है तो हम लोग को न्याय देना चाहिए। सजा तो हो गई है। इस सजा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस सजा से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। कोई इंसान अगर किसी का दुष्कर्म करता है तो सिर्फ उसको 15 साल की सजा होती है। मेरी ये है कि कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसके बाद जो दोषी और थे जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, उनको तो बाइज्जत बलि कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या करेंगे आगे? अब मैं जाऊंगी हाई कोर्ट तक, अपील करूंगी। और यहां तक से ये भी मेरे साथ एक और साक्ष्य प्रमाण है कि उन्होंने मुझे दबाने के लिए मुंबई में लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ, उन्होंने गलत फर्जी FIR मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे सहयोगी के खिलाफ दर्ज किया गया है। उस FIR की जाँच क्यों नहीं कर रही है? क्यों मुझे दबाने के लिए ऐसे वो किया? अभी तक उसका कोई भी FIR, कोई भी कुछ भी नहीं लगा। और कभी भी पुलिस आ करके हम लोग को उठा सकती है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने मुंबई पुलिस से गई, मैं बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ से पैसा मिला था, इस वजह से किया। आप 50 लाख रुपया दीजिए, आपका मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। बताइए मैं इतना पैसा मैं कहाँ से पाऊँगी? ये पुलिस ने बोला था, मुंबई की पुलिस ने, जो वहाँ के जो मतलब जो अधिकारी हैं जिन्होंने FIR लिखा था, उन लोगों ने बोला कि इतना पैसा का व्यवस्था करिए तब हम करेंगे। हमको बोला गया तो हम कर दिए। मतलब कि हाँ, मतलब कि ऐसे तो वो लोग कहीं से भी और भी जगह से, और मुझे पैसे सूचना मिले हैं कि वो मामला दबाने के लिए मुझे और भी दूसरी जगहों से फर्जी FIR हमारे परिवार के ऊपर, हमारे सहयोगी के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। तो वो जेल में, अभी तो जेल में हैं, तो उनके बेटी दामाद ये सब काम कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार ये सब काम कर रहे हैं जेल में। तो जेल में है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, उनके हाथ खुले हैं, अभी भी खुले हैं। सरकार ने जो दोनों दोषी थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, दुष्कर्म किया, तो उनको तो बाइज्जत बलि कर दी। कोई भी चार्जशीट कुछ भी नहीं किया, जैसे लग रहा है कि मैंने बस ऐसे ही कहा था। मैं इतना, मैं अपने दिन में छुप छुप करके रही, विधायक जी द्वारा मैं इतना पीड़ित हुई। ऐसे मेरे जैसे, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल के आपके घर में भी बहन बेटी होगी, आपके भी साथ हो सकता है। ये जब भगवान ने करे ऐसा, जो दिन मुझे देखना पड़ा वो किसी और के साथ हो। बस मैं ये चाहूँगी कि सभी लोग मुझे मिल करके न्याय दिलाएं। और जो बोले विधायक जी जिंदाबाद, जो चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है, वो सब विधायक जी के चमचे हैं। और उनके तो अपने घर में कुछ हुआ नहीं है। जब इंसान के ऊपर, जब खुद के ऊपर पड़ता है ना, तब इंसान को किसी का दर्द समझ में आता है। तो आप जो जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, बेटे और नाती को, आप उनके खिलाफ आप हाईकोर्ट जाकर लड़ेंगे? हाँ, उनके खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाकर के लड़ूंगी। और मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मैं, मुझे न्याय चाहिए। बस मैं अपील करूंगी माननीय न्यायालय को, पुलिस को, योगी जी, मोदी जी को, कि मुझे न्याय दिलाए। मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। ये एक आपके भारत की बेटी, एक पीड़िता का ये आपसे गुहार है, अपील है कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा, मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ, लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं। मैं कोई काम नहीं कर पाती, जिस तरह से मैं सर उठा करके जीती थी, काम करती थी, मेरा काम वाम सब कुछ ठप हो गया। कोई मुझे, हर इंसान मुझसे डरता है, मुझे हीन दृष्टि से देखता है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं सोचती हूँ, उस दिन को याद करती हूँ ना, तो मेरा एकदम रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। मैं सोचती हूँ, मैं जी क्यों रही हूँ? एक लड़की को संघर्ष के लिए इतना कुछ झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनी चीजों को बताना पड़ता है। उनका पूरा आपराधिक पूरा रिकॉर्ड रहा है। अगर वो सही होते तो उनके ऊपर इतने मुकदमे, इतने ये कुछ नहीं होते। आप मेरा भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैंने पुलिस को अपना दिया था, जब FIR दर्ज कराई थी, अपनी मोबाइल दी थी मैं प्रूफ के तौर पे। पुलिस ने मेरा वॉक कोर्ट में लगाया नहीं, मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल के जितने डेटा थे सब कुछ डाल दिया गया फेसबुक व्हाट्सएप पे। बोलते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा यहाँ गलत हूँ, वहाँ गलत हूँ। मेरे ऊपर उल्टा
अभी जो उछाला जा रहा है उन इंसान को नहीं कहा जा रहा है जो मेरे साथ गलत किया है, उस इंसान को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। क्या मेरा यही अपराध है कि मेरे साथ दुष्कर्म हो गया? मेरा यही अपराध है कि मैंने कंप्लेन किया? मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए? अगर न्याय नहीं मिलता है ना, इसलिए लड़कियाँ नहीं आवाज़ उठाती है कि वो चाहती हूँ उनका पुलिस थाना कोई नहीं सुनता है। मैं बस मैं अपील करती हूँ कि मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, प्लीज़। जीएस ऑटोमोबाइल्स की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ सेल ऑफर में पाइए हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर की खरीद पर ढेरों निश्चित उपहार, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्ट टीवी, 3000 का पेट्रोल पंप जैसे उपहार। बुकिंग केवल 501 रुपए से शुरू। जीएस ऑटोमोबाइल्स, एसोसिएट डीलर हीरो मोटोकॉर्प, राजा तालाब, वाराणसी।